नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुशवाहा, ए टू जेड जामो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पतंग, और पतंग को हम कैसे ठीक करें। जैसे कि अगर हम पतंग उड़ाते हैं और पतंग हमारी खींचने में एकदम सीधी होती है, चाहे नीचे करें या ऊपर करें, किधर भी करें, पतंग हमारी खींचने में सीधी होती है और दर पे पकड़ लेते हैं अगर हम, तो वो दर पे टिकती नहीं है, यानी खड़ी नहीं होती एक दर पे। तो पतंग हमारी कितनी भी अच्छी हो, अगर खींचने में सही चल रही है और ज़्यादा देर तक दर पे नहीं टिक पाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, या फिर ये इधर घूमती है या ये इधर घूमती है, तो हम इस कंडीशन में क्या करें और अपनी पतंग को कैसे ठीक करें। ये एक बहुत साधारण सा और सिंपल सा तरीका है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल कलर की बटन है, उसको दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं आप तक सबसे पहले लाने की हमेशा कोशिश में रहता हूँ। तो आइए चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर घूमती हुई पतंग को कैसे ठीक करें। आप देख रहे होंगे यार, इस पतंग में मैंने कन्ना भी नहीं बांधा है। ये देखिए, एकदम नई पतंगे हैं, और ये है अद्धी, इसको मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। ये देखिए, ये है चढ़े हुए मुंडे पे बनवाया, इसका मुंडा जो कि है बहुत छोटा है। ये देखिए, काफ़ी छोटा मैं बनवा के रखा हूँ, क्योंकि छोटे मुंडे से काफ़ी अच्छी पतंगें उड़ती हैं और खींच भी हमारी थोड़ा स्पीड में पतंग की बढ़ जाती है, चाहे वो 500 वर्ग मीटर पर उड़ाएँ चाहिए तो फिर 1000 पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बट इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, जो मैं अब वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक पर। ये देखिए, देखिए देखने में तो पतंग अपनी एकदम सीधी लग रही है, और कन्ना बांध कर अगर हम उड़ाएंगे अपनी पतंग को, खींचने में सीधी होगी, यानी खींचेंगे तो अगर सीधी है तो उस पतंग, वो पतंग में ये है कि खड़ी नहीं हो रही है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। एक छोटा सा तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पतंग हमारी एकदम नॉर्मल तरीके से है, कोई खास नहीं है पतंग, और खींचने में सीधी है। तो हमें सिंपल सा एक काम करना है, अगर ये पतंग इधर घूमती है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पतंग इधर घूमती है तो आपको यहाँ पास एकदम यहाँ कॉर्नर पे, ये यहाँ एकदम यहाँ लास्ट में आकर इसको दबा देना है हल्का हल्का। ये देखिए, ऐसे 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 ही ऐसे करके इसको हल्का हल्का दबा देना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर पतंग घूमती है, घूमने के लिए आपको यहाँ पास दबाना, सॉरी यहाँ पास, ये यहाँ पास ये डंडी है, ये देखिए यहाँ पास मैंने दबाया, बताया था दबाने के लिए। लेकिन जब पतंग खींचने में सीधी हो और सिर्फ खड़ी अकेले नहीं हो रही हो, तो जिधर घूमती है उसके जस्ट दूसरी तरफ एकदम यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास दबा देना है, हल्का 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 झुका देना है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद यहाँ एकदम कॉर्नर पे ये ऐसे ऐसे दबा दीजिए हल्का हल्का झुका के, क्योंकि मैं इसको इसलिए ज़्यादा नहीं दबा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पतंग एकदम सीधी मुझे दिख रही है, ना जाने अभी खींचने में सीधी है या उल्टी है, ये मुझे नहीं मालूम भाई, तो खींचने के बाद ही पता चलेगा। ये देखिए, मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पतंग उड़ाएंगे तो हमारा पतंग का सीधा ये हिस्सा होगा, इसलिए मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ। ये है पतंग, अगर हमारी सीधी है तो हमें ये देखिए, अगर इधर खींचने में इधर घूम जाती है, एक इधर की ओर घूमती है, तो हमें जस्ट इधर, ये देखिए इधर पतंग अगर इधर घूमती है तो इधर हमें यहाँ पास पकड़ के इसको दबा देना है, ऐसे यहाँ दबा देंगे, दबाने के बाद छोड़कर फिर दोबारा बढ़ाकर देखेंगे। अगर पतंग चलने में सही है और दबाने के बाद पतंग घूमने लगी, यानी कि पहले तो पतंग हमारी खींचने में सीधी थी, इसको दबाने से पतंग हमारी खड़ी होने लगी, लेकिन पतंग खींचने में घूमने लगी, तो आपको यहीं पास जो भी करना है यहीं पास कीजिएगा, इसको हल्का सा और हल्का हल्का ऊपर उठा दीजिएगा। उठाने से ये फायदा होगा, हल्का हल्का उठाने से, कि जो पतंग हल्का सा आपके लगने लगी है इधर उधर खींचने में, नीचे गिर जा रही है, ऊपर भाग जा रही है, राउंड हो जा रही है, ऐसे ऐसे, तो ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि आपके हाथ से दबाने का कारण यही है, और आप जो पतंगे सही होंगी वो बिगड़ेगी, यहीं से बिगड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो जो टेप लगा हुआ होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो टेप लगा होता है इसके इधर एकदम साइड में यहाँ पास पकड़ के इतने में ही बनाना है,
पतंग को, तभी पतंग बनेगी अन्यथा नहीं बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे इधर घूमे, इधर घूमेगी तो आपको इधर दबाना है, इधर घूमेगी तो पतंग को इधर दबाना है। सिर्फ ये ट्रिक वहीं आप आजमाइएगा कि जहाँ पास पतंग खींचने में सीधी हो, और पतंग सिर्फ खड़ी नहीं होती है, सीधे खड़ी नहीं होती है, सिर्फ वहीं पास ये ट्रिक आप आजमाइएगा, और ये ऐसा ही करके आप अपनी पतंग को सीधा कर सकते हैं। ये हो गया आज की इस वीडियो में जानकारी जो कि मैंने आपको दिया। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं हमेशा आप तक लाता रहता हूँ, और इससे ये होगा कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने की मैं जो कोशिश में लगा रहता हूँ, ना कहिए कि और अदरवाइज़ किसी दूसरे बंदे को भी जानकारी अगर ना हो, वो बंदा पतंग उड़ाता हो, वो भी इस पतंग से इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो हमारी वीडियो को देखकर भाई सीख सकता है। तो आज मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।